नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्लास चल रही थी अपनी परसेंटेज की, तो परसेंटेज में तीन टॉपिक हो चुके हैं। कौन कौन से? प्रतिशत कमी पर आधारित क्वेश्चन और प्रतिशत वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। और आज चलेगा क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन। जो क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन होते हैं प्रतिशत वृद्धि या कमी के, उसको आज यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं क्लास को और बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। एक तरीके से कि डिटेल्स प्लस ट्रिक जो भी है वो दोनों तरीके से इसको पढ़ेंगे, दोनों तरीके से कंप्लीट करते हुए चलेंगे, डिटेल प्लस ट्रिक के द्वारा। तो और मेरे साथियों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें, जिससे कि आप लोगों को आने वाली जो नोटिफिकेशन है, क्लास जो अपलोड की जाएगी, वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप क्लास को तुरंत से तुरंत देख सकें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन लगा हुआ है यहाँ पर। तो क्वेश्चन लगा होने से पहले हम एक दो बातें हैं जो इसके बारे में बता देते हैं कि जैसे कि अगर क्या है इसमें कि क्षेत्रफल में क्या होता है, तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर भी वही लगेगा। कौन सा वाला? सक्सेसिव वाला फार्मूला है। क्या बता रहे थे हम आपको कि सक्सेसिव वाला फार्मूला यहां पर लगेगा। जो फार्मूला कल बताया था वो क्या था कि अगर x परसेंट प्लस y परसेंट प्लस माइनस x परसेंट इंटू y परसेंट बटे 100, तो ये होता है सक्सेसिव वाला फार्मूला, ठीक है। तो इसी पे बात करेंगे आज। यहाँ पर देखिए, क्या यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए। यहाँ पर क्या लिखा है, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर सक्सेसिव वाला फार्मूला क्या लगेगा, 50% बड़ा कर दिया जाए, ठीक है। घन का सिरा है, 50% अगर बड़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि 50% बड़ा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, सक्सेसिव वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी कि प्लस वृद्धि हो रही तो सभी में प्लस का साइन आएगा, 50% प्लस 50%, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, प्लस 50 × 50 / 100, ठीक है। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 100 + 5 = 25, तो ये क्या हो जाएगा, 125, ठीक है। तो 125% की इसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगी, 125% की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, 125% बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन अगला है यहाँ पर दोनों वैल्यू दे रखी है। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः, क्वेश्चन है, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि की गई है, तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यही वाला फार्मूला लगाएंगे, कितनी की 30% की वृद्धि की गई है और 20% की वृद्धि की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, 30% + 20% + 30 × 20 / 100, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 30, 20, 50 + 3 × 6 = 56, 56% की क्या की गई है इसमें, प्लस का साइन आएगा तो क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो 56% की इसमें वृद्धि, अगर माइनस का साइन आता तो कमी होती। तो इसमें क्या हो गया, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि की गई है, तो इसका क्षेत्रफल कितने परसेंट ज्यादा हो जाएगा, 56% ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अगला, ये यहाँ पर नंबरिंग कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट वाला यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं किसी वृत्त की त्रिज्या, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या में अगर कमी की, वो वृद्धि या कमी की जाए
तो जितनी त्रिज्या में वृद्धि या कमी की जाएगी उतनी ही परिधि में भी कमी होगी और उतनी ही व्यास में भी कमी होगी। अगर वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाती है तो व्यास में भी 50% की वृद्धि होगी और परिधि में भी 50% की वृद्धि होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर दी जाती है तो क्या होगा, तो व्यास में भी 50% की कमी होगी और परिधि में भी 50% की कमी होगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो यहाँ पर त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो रही है तो व्यास में भी 50% की वृद्धि होगी, ठीक है। तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे यही वाला, तो क्या हो जाएगा, 50 + 50 + 50 × 50/100, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 100 + 25 = 125% की वृद्धि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 125% की वृद्धि, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, 25% की वृद्धि हो जाएगी। यहीं पर क्वेश्चन दूसरा क्या है, क्वेश्चन दूसरा है, यदि एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10%, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 दोनों में वृद्धि हो रही है तो प्लस का साइन लगेगा, 12 + 10 × 12 × 10/100, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। उसके बाद में क्या हो जाएगा, 12 + 10 = 22 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 23.2% की वृद्धि हो जाएगी। तो इसका आंसर आपका सी वाला ये करेक्ट हो जाएगा, 23.2% की वृद्धि हो जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, वृत्त की परिधि को कम किया जा रहा है तो व्यास में भी 50% की कमी होगी और त्रिज्या में भी 50% की कमी होगी। अब यहाँ पर कमी की बात है तो सारे हर जगह पर क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, तो माइनस पचास, ठीक है, −50 × 50/100, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस का पचास हो जाएगा, ये −100 और −25, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 125। यहाँ पर आंसर −125, यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। −125% ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक माइनस लगाना भूल गया, यहाँ पर ये होगा कि माइनस का पचास, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, माइनस का पचास और यहाँ पर भी माइनस का पचास होगा, माइनस पचास की वृद्धि होगी। इस तरीके से देखिए दोबारा से फार्मूला क्या होगा इसका फार्मूला ये होगा कि माइनस के पचास परसेंट की कमी की जाती है, फिर यहाँ पर साइन 50, लेकिन −50% × −50% / 100, ठीक है, तो ये हो जाएगा −100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए −−+ और +++, तो ये क्या हो जाएगा, +25, अब क्या आएगा, −75%, तो माइनस का साइन आया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, −75% की कमी, तो यहाँ पर 75% की यहाँ पर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, माइनस का साइन आया है तो मतलब कमी हो जाएगी, तो यहाँ पर −75% की कमी हो जाएगी। तो क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन आपका डी जो है वो सही हो जाएगा। तो अगला सवाल देखते हैं आगे,
आगे के सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7। यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ये अभी क्वेश्चन कराया हुआ है। चार का देखिए, 50% बड़ा कर दिया जाए तो 50 + 50 × 50 × 50 / 100, 0 से 0 कैंसिल, 50 50 100 5 25, 125% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, 125% की वृद्धि हो जाएगी। एक घन का किनारा 50% बढ़ा दिया गया है, तद अनुसार उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। यदि एक घन का किनारा, वही है प्रत्येक सिरा किनारा, मतलब है कि एक घन का किनारा 50% बढ़ा दिया गया है, तद अनुसार उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, 125% की वृद्धि हो जाएगी क्वेश्चन 5 में इसी तरीके से। उसके बाद में किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई है, किसी वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी गई है, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी, तो क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी, तो यहाँ पर देखिएगा कितना होगा। यदि एक वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी गई है तो यदि एक वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी गई, क्वेश्चन 6 है देखिएगा, 30% + 30% × 30 × 30 / 100 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल 0 से 0 कैंसिल 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 30 30 60 3 3 9, तो ये हो जाएगा 69% घटानी होगी, भुजा कितनी घटानी होगी, 69% तीस माइनस तीस साठ प्लस माइनस साठ माइनस नौ, क्या है, यदि एक वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी गई, उसका क्षेत्रफल उतना रखने के लिए दूसरी भुजा में कितनी घटानी होगी, तो क्वेश्चन देखिएगा ये वाला इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर, यदि किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई है, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी, तो यहाँ पर 30% की फ्रैक्शन बनाइएगा, 30% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 30% की फ्रैक्शन बनेगी 3/10, ठीक है, और प्लस की है क्योंकि बढ़ा दी गई है तो प्लस की आएगी, 3/10, तो क्या थी, 30% बढ़ा दी गई है, तो 10 से कितनी कर दी गई है, 13 कर दी गई है, 10 से 13 कर दी गई है, उतनी ही करने के लिए कितने परसेंट घटानी होगी, तो इनका इनका डिफरेंस कितना है, कितनी घटानी होगी, 3 घटानी होगी कितने पर, 13 पर, 13 पर कितनी घटानी होगी, 3, परसेंटेज में करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 300/13, 13 × 26, ठीक है, 13 × 26 बचेगा 40, 13 × 3 = 39, 1/13%, तो ये कट पिट के आपका आंसर आ जाएगा 23 से 1/13%, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। किसी वर्ग की एक भुजा अगर 30% बढ़ा दी गई है, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी, तो इसमें ये 30% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 3/10, ठीक है, 30% बढ़ाएगी तो 10 का 30% बनेगा 3, तो 10 को 13 किया गया है, और फिर 13 से 10 लाने के लिए कितने परसेंट घटानी होगी, तो यहाँ पर देखिए 23 से 1/13% घटानी होगी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 7,
क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 100, 200, 300, तो उसके क्षेत्रफल में 300% की वृद्धि हो जाएगी। तो उसके क्षेत्रफल में 300% की वृद्धि हो जाएगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए क्वेश्चन ऊपर वाला दिखाई पड़ रहा है, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो क्वेश्चन इसमें इस टाइम पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे बात करेंगे फिर अगली क्लास में, ठीक है। तो क्वेश्चन सारे वही है, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो 300% की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि कोर का जो क्षेत्रफल होगा वो 100% होगा। 100% को वृद्धि करेंगे सक्सेसिव फार्मूले से, 100 + 100 + 100 300 हो जाएगा। एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 20% और 15 मीटर, एक आयत और आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 15 मीटर है। 20 मीटर और 15 मीटर है। यदि लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी, यह भी सक्सेसिव फार्मूले से होगा। एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है, इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा, तो यह भी सक्सेसिव वाले फार्मूले से हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आयतन के क्षेत्रफल पर, आयतन पर आधारित प्रश्न होंगे जो परसेंटेज के, उस पर मिलते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद सभी का।